आज आप देखेंगे बिहार का दो जिले का ट्रेवलिंग करने के लिए हम निकले हैं आरा टू पटना। बने रहें ब्लॉग में। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग सागर किंग बॉय। तो अभी हम आपको पटना से 2 किलोमीटर आरा डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। पटना की ओर जाएंगे। कुछ ब्लॉग आरा जंक्शन पहुँच गए हैं। आरा जंक्शन से ट्रेन है मेरा, ट्रेन पकड़ के निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस लाइव में बने रहें ब्लॉग में, तो हम आपको पूरा ब्लॉग दिखाते हुए जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट आरा टू पटना। घबराइएगा मत। ये हम चार फ्रेंड हैं। चार फ्रेंड, एक निखिल भाई ऊपर चढ़ रहा है सीढ़ी से। निखिल भाई आगे की ओर जा रहा है। निखिल भाई को पूरा पता है, मैं उतना घुमा नहीं हूँ यहाँ पे इस शहर में। निखिल भाई मेरा बहुत इसी साइड का है, तो वो उसको बहुत पता है। तो उसी के साथ में हम ब्लॉगिंग शूट कर रहे हैं। दुकान में कुछ लेगा निखिल भाई, दुकानदार से कुछ ना कुछ सामान ले लेगा। ये खाता पीता है भाई, मैं तो प्रौती हूँ दुकान से लेने के लिए। ले रहा है, देखो भाई कुछ लेगा। ये स्प्राइट ले लिया। अब हम सब स्प्राइट पी के निकल रहे हैं। इधर बाहर आ गए हैं, स्टेशन से बाहर आ गए हैं। यह बस स्टैंड, ऑटो लगा रहे, तो यहीं से आ गए हम दुकान के आगे। ब्लॉग में बने रहे हैं। ये समोसे हम चारों फ्रेंड खाएं, उसके बाद आ गए इधर। लड़की तो कितनी गौर से देख रहा है, लड़कियाँ को देखो कितना गौर से देख रही थी, पागल। ट्रैफिक में हम लोग का गाड़ी फंसा हुआ है। ट्रैफिक क्लियर होने के बाद हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग ट्रैफिक ख़त्म होने वाला है, हो गया। हम लोग बाइक से निकल लिए हैं, हम लोग बाइक से निकल गए हैं। ये है अपाची गाड़ी, अपाची गाड़ी से निकल रहे हैं। तो ब्लॉग में बने रहें, आगे की ओर दिखाते जाएंगे। हम आ गए हैं गांव का देहात, गांव में ही गाँव का रोड है, नेशनल हाईवे नहीं है। इसका बाइक ख़राब हो गया, तो ये बोल रहा है पेट्रोल ख़त्म हो गया। हमारा पेट्रोल का कोई इशू नहीं है इस बाइक में जी। अब ये देखो ये कितना, हाँ भाई ठीक है ठीक है। चलो बने रहें ब्लॉग में, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है, फन कर रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया से मज़ा आ रहा है। आप लोग बने रहें, काफ़ी लंबे टाइम तक बने रहें तो बढ़िया रहेगा। ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है जी। ओके, ब्लॉग में बने रहें, हम लोग दिखाते हुए जा रहे हैं। हाँ ये मज़ा तो आ रहा थोड़ा बहुत, क्या क्या करें। मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, बस आप लोग का सपोर्ट रहे तो बहुत मज़ा आएगा। सपोर्ट कीजिए छोटे भाई को। गाइस बहुत मज़ा आ रहा है इधर का व्यू देख के। देखिए गांव का व्यू है। ब्लॉग में शूट करते हुए जा रही है, गांव के अंदर हम घुस गए, प्रवेश कर गए। गांव रास्ते में मिला था, मैं सोचा गांव का व्यू दिखाते हुए जाते हैं आप लोग को। ये देखो पहले ज़माने का चौखड़ा, खपड़ा का घर है। उसके बाद देखिए इधर, देखिए ये गाँव है। इसी गाँव में मेरा एक दोस्त रहता है, इनका पड़ोसी का घर है। चलिए देखते हैं घर पे ले जाता है कि नहीं ले जाता है। अगर घर पे लेके जाएगा तो ब्लॉग इसके घर का दिखाएंगे ब्लॉग, नहीं तो नहीं लेके जाएगा तो नहीं दिखा पाएंगे। आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहें, बस दिखाते हुए जा रहे हैं। देखिए अब हम गांव से निकलने वाले हैं, थोड़ा छोटा मोटा गाँव है आगे, उसके बाद निकल जाएंगे। बने रहे गाइस, ये पहले ज़माने का खपड़ा उपड़ा पड़ा हुआ है। अभी तो थोड़ा बहुत बिहार हमारा डेवलप कर गया ना, आरा ज़िला का। आरा ज़िला से हम पटना के आगे ट्रेवल कर रहे थे, तो रास्ते में छोटा मोटा गांव मिलता है ना, हम नेशनल हाईवे छोड़ के छोटा मोटा गांव ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसका ब्लॉग शूट करने बहुत मज़ा आता है। देखो भाई आगे निकल गया, ये मंदिर देखो, मंदिर पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर हम लोग दर्शन कर लिए, गाड़ी लगा, 112 नंबर पुलिस भी खड़ी हुआ है। हम निकल रहे हैं आगे की ओर। अरे यार मैं सोचा गाँव छोटा गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है यार। मैं सोचा बहुत छोटा गाँव है, तो बहुत बड़ा गाँव है। ये देखो ये मस्जिद है। लाइक करें गाइस, कमेंट करें गाइस, सब्सक्राइब करके जाना चैनल यार, कमेंट करके जाना, क्योंकि कमेंट कर दीजिएगा तो हमें पता चलेगा कि अच्छा लगा ख़राब लगेगा। ये देखिए गांव में चाचा काका लोग खड़ा हुआ है इधर। ये देखो ये छोटा मोटा दुकान है, क्या लेगा भाई? अरे ले ले यार, टोपी वोपी लेगा शायद, पता नहीं क्या। इसको लेने दो, उसके बाद निकलते हैं हम लोग। अब शायद लग रहा है कि निकल गए हम लोगों में, क्योंकि हम इसके गांव में है ना, हम इसके गांव में अनजान है। यही बताएगा ना किधर क्या है, नहीं हम फिर भी आइडिया लगा रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं। ये देखो बहुत पुराना होती है, मतलब तो रहा है। ये तो कौन सा रास्ता जा रहा है, सुनसान रास्ता है।
गली गलीच तो नहीं है, मतलब जंगल झाड़ी है इधर। ये जो झाड़ी का ये तार का गाछ, जिसे तार जो आता है हमारे गांव में, हमारे गांव में अक्सर तार गाछ कम मिलेगा, तो उसमें ना लबनी लटकाता है गलिया का तार चुवाने के लिए। ये देखिए भाई, तो अपना गांव आगे आगे जाते रहते, क्या भाई इसी को पता रहता ना किधर क्या नहीं है, मेरे को क्या पता, मैं तो मेरे को घुमा रहा है भाई। देखो भाई खोल रहा है गेट, नहीं होगा ऊपर चढ़ जाते, देखो तो कोई है कि नहीं है, देखो चेक करो, चेक कर रहा मेरा भाई कोई है कि नहीं है, देखो दोस्त कोई आता है कि छोड़ो निकल रहे हैं। हाँ अब हम आगे इस नेशनल हाईवे पे डायरेक्ट पटना की ओर, पटना की ओर हम लोग जाएंगे। गाइस ब्लॉग में बने रहें, अगर आप पटना तक ब्लॉग करें ब्लॉगिंग करेंगे तो मेरा लंबा टाइम हो जाएगा। मैं पटना का व्यू है ना शुरुआत में दिखा देता हूँ, मेरा ब्लॉग लंबा चल जाएगा। तो गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताना गाइस कैसा लगा। ओके बाय।